पहली बात यह है कि ये सही आपने सुना है और मैंने तकरीर में भी कहा कि आज मैंने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को खैरवाद कहा है और इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि मेरे जो वर्कर्स थे उनकी ये ख्वाहिश थी, खुद मेरा अपना भी ये ऐसे कुछ हालात थे कि मेरे लिए इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। ये सच है, मैंने अपनी पार्टी से आज दूरी इख्तियार की है और ये भी सच है कि अभी मैंने कोई भी सियासी जमात ज्वाइन नहीं की है। मैं अगले एक दो दिन में फैसला करूंगा कि क्या मैं कोई पार्टी ज्वाइन करूंगा, क्या मैं आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ूंगा, क्या फैसला करूंगा। ये मेरे वर्कर जो हैं, जो मेरे साथी हैं, ये इनको तय करना है। मैंने इनको ये भी खुला कहा है कि अगर आपको कोई बेहतर कैंडिडेट विद इन हमारी पार्टी मिलता है तो मैं उसका साथ देने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन अपने लोगों में से। बाकी मैं एक बात साफ कहता हूँ कि कोशिश करो कि हम लोगों के सामने सही सूरत हाल रखें। राहुल गांधी की सर दौरा है, दो दिन का दौरा है, स्पेकुलेशन ये भी चल रही है कि शायद आप उनके दौरे में ही ज्वाइन करने वाले हैं कांग्रेस। स्पेकुलेशन ही स्पेकुलेशन, और अखबार वाले मीडिया वाले तो स्पेकुलेशन पर ही रोटी रोजी खाते हैं। आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम करूंगा। मैं वही कहूंगा जो मुझे मालूम है कि अभी ना मैं किसी से मिलना रहा हूं, ना मुझे कुछ मालूम है इस बारे में। दुरूने खाना क्या बात हो रही है, जब वो किसी नतीजे पर पहुंचेगी तो आपके सामने होगी। सर, जिस तरह राहुल गांधी की पूरे देश में अभी छवि चल रही है, क्या वाकई आप इम्प्रेस हो चुके हैं राहुल गांधी, यानी कि अभी बड़ी पार्टी उभरकर आ रही है? सियासत में लोग आते हैं, लोग जाते हैं, उनकी छवि है, नरेंद्र जी मोदी की भी छवि है। सियासत में कुछ लोग हैं, सभी लोगों की छवि है, जिसके साथ भी लोग हैं वो सब काबिले इज्जत हैं। वो रात कांग्रेस कोमा में चली गई है, अगर आप मैंने अगर आप मैंने एक बार ये बात कही है तो आप मुझे मैं देखिए आप कहां से कहां आ गए। मैंने हमेशा कहा है कि कोई भी सियासी जमात कभी नहीं मरती है, और दूसरी बात है कोई अगर कोमा में चला जाए तो कोमा से बाहर निकल आए तो आप उसको भी ये नहीं ना ताना दे सकते। आपने आज तक कभी किसी बीमार को सेहतमंद होने के बाद ये कहा कि आप बीमार थे? तो जब कोई बीमार होता है तो आप कहते हैं बीमार है, जब वो सेहतमंद होता है सेहत और सवाल पूछे, बहुत सारे सवाल हैं। यही है कि कांग्रेस आप ज्वाइन कर रहे हैं सर, आपकी बात। मैंने आपको कह दिया कि मैंने अभी किसी भी सियासी जमात के को ज्वाइन करने का हतमी फैसला इसलिए नहीं लिया है कि इसमें हमारे वर्कर भी फैसला करेंगे, हम उनके साथ बात। देखिए, जाहिर सी बात है हमें सियासत में कहीं ना कहीं तो जाना होगा, लेकिन हम देखभाल करेंगे, सोच विचार करेंगे, दोस्तों से बात करेंगे, खैर खाहों से बात करेंगे। और मैं आपको ये भी कहूँ कि मुझे अपनी पार्टी के खिलाफ कुछ भी नहीं है, मेरा दिल बिल्कुल ठीक ठाक है। मैं रिपोर्ट ये है कि जफर मनाज साहब ने कांग्रेस ज्वाइन किया, औपचार किया बाकी है, ऐलान करना बाकी, आपने कर लिया सर? चलिए, मीडिया रिपोर्ट्स, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आपके पास हैं, मेरे पास ऐसी कोई रिपोर्ट है नहीं। देखिए, कहते हैं अंग्रेजी में एक कहावत है कि जब हम पुल के करीब पहुँचेंगे हम पुल को भी पार कर लेंगे। लेट अस रीच टू द ब्रिज, देन वी विल डिसाइड। अभी मैंने इस बारे में कोई फैसला नहीं किया है।